हेलो स्टूडेंट्स, आइए साथ मिलकर सॉल्व करते हैं फेडरलिज्म चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, इस सवाल में हमें बताना है कि आखिर इंडिया में जिस तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है वो कैसे सिमिलर या फिर डिफरेंट है बेल्जियम में प्रैक्टिस किए जाने वाले फेडरलिज्म से। देखिए दोस्तों, इंडिया और बेल्जियम के केस में अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो दोस्तों दोनों ही नेशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को शेयर करती है रीजनल गवर्नमेंट्स के साथ, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। वहीं अगर मैं एक डिफरेंट फीचर की बात करूं तो दोस्तों बेल्जियम के केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट भी दिखाई देती है, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, इस आंसर को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए आप सब इसका रिटन सॉल्यूशन देखना मत भूलिए। तो फिर चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।